की क्रूर दुष्ट निर्दयी था। देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, इसीलिए विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं उसको छोड़ने ससुराल गया। जब वह रथ में जा रहे थे तब बीच रास्ते में उनको आकाशवाणी सुनाई दी। हे दुष्ट कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पाप नष्ट करने के लिए देवकी का आठवां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यंत भयभीत व क्रोधित हो गया। वह बीच रास्ते में से ही रथ को वापस मथुरा ले गया और देवकी और वासुदेव जी को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को इसकी सूचना मिली, कंस ने देवकी की संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को उनकी जन्म के तत्काल बाद ही हत्या कर दी। इससे वासुदेव और देवकी अत्यधिक दुखी थे, पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय आ गया, जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। उस दिन और तेज वर्षा हो गई। ऐसे लगने भगवान ने धरती पर देवकी की 8वीं संतान बनकर बालक रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से श्री विष्णु भगवान ने अपने पूर्ण अवतार में दर्शन दिए और वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके दोस्त नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म लिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा की बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी पीड़ित मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। जेल प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वासुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, पर यमुना नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग में प्रकट होकर कृष्ण भगवान को अपने फल फैलाए तेज बारिश से बचाया। आखिरकार वे नंद के गांव पहुंचे और कृष्ण को यशोदा की बगल में लेटा कर उनकी पुत्री को वापस बंदी गृह ले आए। वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे स्वयं बंद हो गए। सारे जेल प्रहरी उस पुत्री के रोने की आवाज सुनकर जाग गए और कंस को सूचित किया। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव जी की 8वीं संतान मृत्यु हुई है, तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें से एक दिव्य ज्योति के साथ मां शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया है और वही तेरा
शक्ति लुप्त हो गई। जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तब उन्होंने कंस का वध किया और इस प्रकार कृष्ण भगवान ने धरती पर अत्याचार व बुराई का अंत किया। इसीलिए हमेशा प्रत्येक भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।